गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर आपको अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों में मार्केट में डाउनफॉल रहा, उस दौरान मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा शेयर मार्केट को लेकर। चुटकुला कुछ इस तरह का है कि मैंने एक बार अपने दोस्त को शेयर मार्केट के बारे में बताया और अब वो किराए के मकान पर रहता है। पहले मैं किराए के मकान पर रहता था, अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। तो दोस्तों ये चुटकुला जो शेयर मार्केट को लेकर बना है ये उन लोगों के लिए है जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए शेयर मार्केट में एंटर करते हैं और हैवी लॉसेज होते हैं, और उन लॉसेज को वियर करके शेयर मार्केट से क्विट कर जाते हैं, या फिर वो लोग जो इंट्राडे करते हैं और लॉस होने की स्थिति में शेयर मार्केट से क्विट कर जाते हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में दो तरह से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट की और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट। दोनों इन्वेस्टमेंट पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे लमसम अमाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा। जब आप इकट्ठा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक शेयर में पैसा ना लगाकर उसे डिवाइड कर लें 25-30 शेयरों में, अच्छे शेयर बड़ी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाएं, शेयर की स्टडी कर लें। कोई शेयर ऐसा ना हो कि जो पहले से ही बहुत हाई हो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपका पैसा काफ़ी समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें शेयर की स्टडी ढंग से कर लें। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके, देखो शेयर मार्केट की ब्यूटी ये है दोस्तों, यहाँ पर आप 100-200 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे जितना पैसा भी कमा रहे हों, 100-200 रुपये का मंथली टारगेट लेकर थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में डालते रहें, एक लंबे अरसे के बाद आप देखेंगे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो चुका होगा। तो दोस्तों इसमें लॉसेज वही खाते हैं जो थोड़े समय के लिए शेयर मार्केट में एंटर करते हैं। दोस्तों मैं इसे एक कहानी से डिस्कस करूंगा। मेरे एक दोस्त ने, काफी समझदार हैं, उनके पास IRCTC का शेयर 2019 के पहले, उन्होंने उस शेयर को 2100 रुपए में खरीदा। उसके बाद लॉकडाउन आया, शेयर का भाव गिर गया और शेयर की जो वैल्यू है वो 800 रुपये तक चली गई थी। तो जब शेयर की वैल्यू 800-900 रुपये चली गई, उन्होंने उसमें और पैसा इन्वेस्ट किया थोड़ा थोड़ा करके और अपने आप को शेयर में बनाए रखा। धीरे धीरे IRCTC का शेयर 6000 रुपये चला गया, तब उन्होंने उस शेयर को बेच दिया। कुछ शेयर बेच दिए, कुछ शेयर रख लिए जो पहले उनके पास थे। इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा, हौसला नहीं तोड़ा, और जब शेयर का जो भाव था वो आधे से भी कम पर हो गया तब भी उन्होंने उसे और खरीदा
और जब उसका भाव बढ़ गया तो उन्होंने मार्केट में उसे बेच दिया। तो दोस्तों इस थ्योरी में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर मानकर चलें 2100 का शेयर जब 4200 भी गया और 800 भी गया, अब यहाँ पर जो लोग हौसला नहीं रखेंगे, उन्होंने मान लो 2100 पे ख़रीदा उस शेयर को और 1200 रुपये में जब उसको बेच दिया तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट गवा ली। दोस्तों जिसने शेयर में अपने आप को बनाए रखा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाए रखी और जब उस शेयर का भाव बढ़ा तब उसको बेचा, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। दोस्तों शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने आप को लंबे समय में शेयर में बनाकर रखेगा और जब अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तभी उसको बेचता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मुझे कॉल करें, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। अपस्टॉक का अकाउंट खुद से ट्राई ना करें, कई बार कुछ स्टेप्स आपसे गलत हो जाते हैं या आपने गलत प्लान चूज कर लेते हैं, तो एक एक्सपर्ट फ्रेंचाइजर से जब आप डीमैट अकाउंट खुलाते हैं तो उसका आपको प्रॉपर फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स।